रामपुर के नवागत पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना ने आज चार्ज संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस पब्लिक के बीच मधुर संबंध बनाना और थानों में आने वाले पीड़ितों की सही सुनवाई और सही कार्रवाई करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने डीजीपी के आदेश अनुसार रामपुर के थाने की भी कायापलट करने के भी निर्देश जारी किए हैं। दरअसल यूपी के थानों में अब पीड़ितों को प्रॉपर तरीके से अटेंड करने के लिए महिला कांस्टेबल को तैनात किया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क के नाम से इस डेस्क पर तैनात महिला कांस्टेबल थाने आने वाले पीड़ितों की बात सुनेगी और उनकी परेशानी का हल निकालने के लिए प्रयास करेंगी। पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना ने अपने जिले के सभी थानों में जल्द ही ये सुविधा शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। थाने प्रमुख तो ये समस्या आती है कि साहब उनकी शिकायतें या तो सुनी नहीं गई या सुनने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए जैसा हमारे माननीय डीजीपी महोदय का आदेश है कि महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें महिला हेल्प डेस्क के नाम से दो महिला कांस्टेबल नियुक्त होंगी, जो हर आने वाले व्यक्ति जो थाने में प्रवेश कर रहा है अगर तो रजिस्टर में उसकी एंट्री करवाएंगे और साथ ही साथ जन शिकायत रजिस्टर में जो उनकी शिकायतें हैं उनको दर्ज किया जाएगा और कंसर्निंग जो भी डे ऑफिसर या थाना प्रभारी हैं उनसे संपर्क करके जिस तरह की समस्या है उसका समाधान, अगर कोई तत्काल लड़ाई झगड़े वाली समस्या है तो तत्काल फोर्स भेजी जाएगी और अन्य किसी तरह की समस्याएं हैं तो इन टाइम उन समस्याओं का समाधान किया जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा, हर दिन थाने पर आने वाली समस्याओं को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा, ऑफिस में आने वाली समस्याओं को भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मॉनिटर होगी, साथ साथ हर 7 दिन में जो जन शिकायत रजिस्टर आगंतुक रजिस्टर है वो स्वयं मेरे द्वारा मॉनिटर किया जाएगा और जो समस्याएं हैं उनका समाधान स्थानीय स्तर पर पुलिस के द्वारा किया जाएगा। निष्पक्षता दिवस का कंसेप्ट ये है कि कई बार विवेचनाओं को लेके वादी के द्वारा शिकायत की जा रही है कि विवेचना सही दिशा में नहीं हो रही है, सही तथ्यों के साथ नहीं हो रही है, उसके लिए निष्पक्षता दिवस आयोजित किया जाएगा जिसमें वादी और विवेचक दोनों को आमने सामने किया जाएगा। जिन तथ्यों पर वादी विवेचना चाहता है उन तथ्यों पर विवेचक के द्वारा विवेचना की जाएगी।